तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने हैं, जैसे वर्क एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वर्क। तो ये वर्क का मतलब क्या होता है? तो डे टू डे लाइफ में जैसे कि हम कोई सामान उठा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइंस में, फिजिक्स में ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है दोस्तों। फिजिक्स में कौन सी डेफिनेशन वर्क की वैलिड है? देखिए, साइंस में हम लोग वर्क किसे कहते हैं? तो दोस्तों साइंस में वर्क किसे कहते हैं? देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वर्क हम तभी हुआ ऐसे बोलेंगे जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट करेगा। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो आप यहाँ पर, और इस फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, ठीक है, ओके। तो साइंस में हम वर्क तभी हुआ बोलेंगे जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, ओके। डेफिनेशन फिर से एक बार समझिए, वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब वर्क हुआ ऐसे हम तभी बोलेंगे व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तभी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? वर्क निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। साइंस में हम लोग ये जो वर्क है ये वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वर्क के लिए? डब्ल्यू, फोर्स एफ, इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एस लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर दोस्तों ये वर्क का यूनिट क्या होगा? देखिए, यूनिट क्या होगा वर्क का? यूनिट क्या होगा फोर्स का? यूनिट क्या होगा वर्क का? यूनिट निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला देखना होता है। फॉर्मूले के अंदर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, ठीक है। इसलिए वर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। और दोस्तों ये न्यूटन मीटर को ही एक नाम दिया गया है जिसको कि हम जूल बोलते हैं, ठीक है, ओके, जिसको हम जूल बोलते हैं, और जूल का सिंबल है कैपिटल जे। तो ये जो वर्क है, इस वर्क का सिंबल क्या हुआ? इस वर्क का सिंबल हुआ जूल। वर्क हम लोग जूल में मेजर करेंगे, ठीक है, ओके। अब जूल, एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर आप बोल सकते हो एक न्यूटन मीटर। एक न्यूटन मीटर का मीनिंग ही है एक जूल, ओके। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, यूनिट उसका न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को ही जूल बोला जाता है, और ये जूल का सिंबल है कैपिटल जे, और एक जूल का मतलब ही है एक न्यूटन मीटर, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल कंसीडर करिए, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, और इस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। और फोर्स कितना है यहाँ पर? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 2 मीटर। सो 10 × 20 कितना हुआ? 10 × 2 कितना हुआ? 20। तो वर्क डन कितना होगा? 20। इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन कितना होगा? 20। 20 क्या? 20 जूल, या 20 न्यूटन मीटर बोला तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। अब एक बात यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आप देखिए, एक बात आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, वो चीज़ क्या है कि ये फॉर्मूला जो है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है तब क्या करना है? तब अगली केस देखिए यहाँ पर, इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उनके बीच कोई एंगल है। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और इस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इस डायरेक्शन में? एस इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर ये जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मान लेते हैं थीटा है, तो इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन निकालने का एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। वो फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। थीटा मतलब क्या है? दोनों के बीच का एंगल। एफ मतलब क्या? फोर्स जितना लगा रहे हो आप। एस मतलब क्या? जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और थीटा मतलब क्या? दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये कॉस थीटा क्या होता है आपको अभी नहीं पता है, मैथ्स में आप इसके बारे में पढ़ोगे। कॉस थीटा क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। कॉस थीटा आपको नहीं पता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर कॉस की वैल्यूज़ बताऊँगा, ठीक है। मतलब जैसे कि कॉस 0 जो होता है ना, ये 1 होता है। कॉस
90 की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है। ये आप याद रखिए, कॉस का मीनिंग अभी आपके समझ में नहीं आएगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, कॉस जीरो होता है वन, कॉस 90 होता है जीरो, कॉस 180 होता है माइनस वन। तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों, इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वर्क डन के लिए? आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है वर्क डन के लिए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ मतलब क्या है फोर्स, एस मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, और थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे, जैसे कि केस नंबर वन, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि दोनों के बीच का एंगल जीरो है ना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू, कॉस यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी जीरो। तो अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो। और जैसे कि हमें पता है कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये जो कॉस जीरो है इसकी जगह पर अगर हम एफ सॉरी वन पुट करेंगे तो हमें वर्क डन के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? वर्क डन इज इक्वल टू वॉट? एफ इंटू एस मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो केस है ये सिमिलर है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए ऊपर देखा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कॉस थीटा लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि थीटा की वैल्यू तो जीरो ही है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वन आएगी यहाँ पर, इसीलिए हमने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, अगर आप कंसीडर करते भी हो तो भी आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने केस नंबर वन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केस नंबर टू के बारे में। केस नंबर टू क्या है? देखिए केस नंबर टू क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्रीज है, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में है, और मान लेते हैं किसी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब दोस्तों दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है। तो इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन कैसे निकालोगे आप? वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्रीज, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्रीज, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, हम देख चुके हैं। ओके, तो कॉस 90 जीरो आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स ने ये डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है। ठीक है, ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कोई दूसरा फोर्स कर रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है? इस फोर्स ने किया हुआ वर्क डन। तो इस फोर्स ने किया हुआ वर्क डन क्या होगा यहाँ पर? जीरो। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट में ये जो फोर्स है इसका कोई हाथ नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर तीसरी केस हम लोग कंसिडर करते हैं, ये थी यहाँ पर केस नंबर टू। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर केस थ्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये केस थ्री क्या है? देखिए, तो अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज है, 180 डिग्रीज का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है आप? अब दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180, और कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 होता है माइनस वन। तो अगर आप यहाँ पर माइनस वन पुट करोगे तो आपको वर्क डन के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू माइनस वन। माइनस वन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? वर्क डन होगा माइनस एफ एस। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है आपको? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स है ये इसको रुकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब इसके अंदर से एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये फोर्स इसको रुकाने की, मतलब इसके अंदर के एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, ये मीनिंग है इस नेगेटिव साइन का। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मीनिंग कोई ज़रूरत नहीं ध्यान में रखने की, सिर्फ आप इतनी चीज़ ध्यान में रखिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। साइंस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओके, एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ से दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं, नेगेटिव वर्क किसे कहते हैं, और जीरो वर्क किसे कहते हैं। तो वर्क के तीन टाइप्स होंगे यहाँ पर, एक होगा पॉजिटिव वर्क, दूसरा होगा नेगेटिव वर्क, और तीसरा होगा जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किसे कहेंगे? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। मतलब एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो आप, और इसके वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो वर्क होगा उस वर्क को हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक है, या सिंपली अगर आप ऐसे बोल सकते हो, अगर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क किसे बोलेंगे?
अगर वर्क डन की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो उसको निगेटिव वर्क बोलेंगे। ये कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्रीज है तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क डन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। और जीरो वर्क कब बोलोगे आप, जीरो वर्क कब बोलोगे, देखिए यहाँ पर, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वर्क डन इज जीरो। मतलब अगर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पर 90 डिग्रीज, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा जीरो। ठीक है, तो ये वर्क डन के तीन टाइप्स आपको याद रखने होंगे। अब यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि देखिए ये एक एग्जांपल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, और ये एग्जांपल देखिए क्या है, तो यहाँ पर एक कप रखा गया है और इस कप के नीचे एक होल निकाल के यहाँ पर एक नट बांधा गया है। ठीक है, और इस नट को एक रस्सी ऐसी बांधी गई है और इस रस्सी को नीचे की तरफ एक नट बांधा गया है। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि ये नट नीचे जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर ये जो कप है इसको ऐसे इधर साइड खींचेगा ये। ठीक है, ओके, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर इस कप के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, अब अगर दोस्तों आप यहाँ पर एक स्केल रखोगे, एक रूलर रखोगे, ठीक है, एक रूलर आपने यहाँ पर रख दिया, ओके, तब क्या होगा, स्टिल दोस्तों ये जो कप है ये इधर मूव करेगा, ये नट के वजह से ये कप इधर मूव कर रहा है, लेकिन वो रूलर क्या करेगी, उसको रुकाने की कोशिश करेगी। ओके, रूलर क्या करेगी, उस कप को रुकाने की कोशिश करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने रूलर को निकाला, तीसरे केस में क्या है, देखिए यहाँ पर अब आपने क्या किया, एक दूसरा नट इधर से नीचे ऐसे छोड़ दिया, एक नट इधर से नीचे छोड़ा है, दूसरा नट इधर से नीचे छोड़ा है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर केस में जो है ना, ये कप इधर जाएगा ना ये कप इधर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये नट इधर फोर्स लगा रहा है इस ग्लास के ऊपर और ये नट सेम फोर्स उधर लगा रहा है, तो ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, ये बैलेंस हो जाएगा ना एक दूसरे को, तो ना कप इधर जाएगा ना कप इधर जाएगा। तो अगर ये तीन केसेस आपके समझ में आ गए हैं तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप आंसर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं देखिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर ए को आपको ऑब्जर्व करना है। फिगर ए में क्या है, व्हाई डज द कप गेट पुल्ड, तो ये जो कप है ये कप इधर खींचा क्यों चला गया, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर एक ही फोर्स लगा है और ये एक फोर्स मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये जो कप है ये कप उधर चला गया। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें पता चल चुका है कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो है ये कप उधर गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, फिगर बी को ऑब्जर्व करना है आपको, ये फिगर बी है। ठीक है, ओके, तो फिगर बी में व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड फोर्स अप्लाइड थ्रू द रूलर, तो कप का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, कप का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और रूलर क्या कर रहा है दोस्तों, रूलर जो है उसको रुकाने की कोशिश कर रहा है, मतलब रूलर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, रूलर उसको उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड फोर्स अप्लाइड आर अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर सी व्हाई डजंट द कप गेट डिस्प्लेस्ड, मतलब ये जो फिगर सी है देखिए, यहाँ पर ये जो फिगर सी है, यहाँ पर ये जो कप है ये कप डिस्प्लेस क्यों नहीं किया, जाहिर सी बात है दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ये जो कप है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस फोर्थ क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वर्क डन इन फिगर ए बी एंड सी, तो फिगर ए में देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो फिगर ए जो है इसमें किस टाइप का वर्क हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो वर्क हो रहा है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, और फिगर बी जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कप का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, कप का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और रूलर इस कप के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, ओके, तो जो कप है वो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस मूव कर रहा है और रूलर उसको रुकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो वर्क होगा निगेटिव वर्क। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क होगा वो निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, और थर्ड जो फिगर है ये फिगर सी, इस फिगर में इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा यहाँ पर, वर्क होगा जीरो, क्योंकि वर्क होने के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क क्या होगा यहाँ पर, जीरो होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं,
ये क्वेश्चंस पेज नंबर 22 के ऊपर के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।